वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को हिंदी में, जिसमें हम अब जो है सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं। आपका क्लास 10th का ये है सेकंड चैप्टर, अम्ल क्षारक और लबड़। आपका जो अम्ल क्षारक और लबड़ है, इसका अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत होती है। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हैं ये क्लासेस आपकी चलती रहें, कंटिन्यू हम पूरी एनसीईआरटी को आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो शेयर कीजिए। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सेकंड चैप्टर है आपका अम्ल क्षारक एवं लबड़। इसमें हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लबड़ क्या है, आपका मतलब एसिड क्या है, बेस के होते हैं और आपके सॉल्ट्स के होते हैं। फिर बहुत सारे सॉल्ट्स का यूज और उनका केमिकल फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, आप क्लास 10th में है तब तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तभी ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का बच्चे पूछते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, पीडीएफ आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं को प्रोवाइड होगा, ठीक है। 9th वाले बच्चों के साथ भी शेयर करना है, 10th वाले बच्चों के साथ भी शेयर करना है। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, प्लस हम आपको क्विक रिविजन के लिए वन शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। आज जो हम इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे वो देखेंगे कि संकेतक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं। अम्ल क्षारक को लबड़ तो पढ़ना ही है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो हमें बताएगी कि ये अम्ल है, ये क्षारक है और ये लबड़ है, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पर, जब अम्ल क्षारक को लबड़ को हम देखते हैं तो संकेतक जो होते हैं उनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक सिंपल हमसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए, आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी जो क्लास 10th में, कि संकेतक क्या होते हैं, तो संकेतक वह पदार्थ होते हैं, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो अपनी मतलब, या तो आप इस तरीके से कि रंग परिवर्तन के दौरान बताते हैं कि क्या ये अम्ल है और क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं। कुछ संकेतक ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्मेल में, अपनी खुशबू में चेंज करके, अपनी गंध में चेंज करके बताते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षारक है, कि मतलब उनकी जो स्मेल है, गंध है, वो बदल जाएगी या फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अम्ल क्षारक में अलग अलग क्रिया करेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, मतलब उनको आपको प्रयोगशाला में बनाने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति ने आपको दिए हैं, मतलब प्रकृति ने दिए हैं, तो उसका मतलब आपको किसी प्लांट से मिल रहे होंगे, नेचुरल सोर्स से मिल रहे होंगे, आपको उसको क्या है प्रयोगशाला में बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रयोगशाला में बना सकते हैं आप, और वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इसी के आधार पर अगर हम देखें तो संकेतक इंग्लिश में आप बोलेंगे इंडिकेटर। देखिए, मेन टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी समझते चलिए, आपके काम आएगा। संकेतक वह पदार्थ है जो रंग परिवर्तन द्वारा विलयन की क्षारीय या अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। जबकि अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी के बेस पर है, और एनसीईआरटी का पूरा ओरिएंटेड है आपका ये कंटेंट, जो भी आपको मिलेगा वो कंप्लीट आपके एनसीईआरटी बेस है, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी खोलकर बैठिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा ये डेफिनेशन। क्योंकि सिर्फ रंग में परिवर्तन नहीं होता है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि कुछ स्मेल में परिवर्तन करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ गंध परिवर्तन, लेकिन वो क्या होते हैं, दूसरे तरह के घ्राण संकेतक में आते हैं। देखिए, संकेतक के प्रकार आप देखेंगे, प्राकृतिक संकेतक आपको बताया गया है, नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको, जो आपको प्रकृति से मिलते हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। फिर देखेंगे घ्राण, घ्राण का ऑल्फैक्टरी, जहां पर वर्ड आ जाता है घ्राण इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्मेल में चेंज करके, अपनी गंध में बदलाव लाके, परिवर्तन से आपको बताते हैं कि ये अम्ल है या ये क्षार है। फिर आता है कृत्रिम संकेतक, ये वो होते हैं जो आपको प्रयोगशाला में बनाने की जरूरत पड़ती है, आप प्रयोगशाला में इनको बनाते हैं, जैसे मिथाइल और मेथिल ऑरेंज है, देखेंगे उदाहरण भी देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इन सभी के प्रकार को देखते हैं कि संकेतक के जो प्रकार है, प्राकृतिक संकेतक में कौन कौन से संकेतक आपके आएंगे, उनका किस तरीके से वर्क होता है। प्राकृतिक संकेतक क्या है आपका, प्राकृतिक संकेतक सबसे पहले हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक संकेतक आपका नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक संकेतक जो होते हैं ये सबसे पहले क्या है, आपको प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं होती। इसके अगर आप उदाहरण देखें तो इसमें उदाहरण आएगा लिटमस, लिटमस पेपर आपने सुना होगा, जो लिटमस होता है वो आपको किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। लाइकेन को आप पौधा बोल सकते हैं, जबकि हालांकि वो वास्तविक पौधा नहीं है,
लाइकेन को आप पौधा बोल सकते हैं, थैलोफाइटा वर्ग का मेंबर बोल सकते हैं, क्योंकि लाइकेन जो होता है वो क्या है, आप उसमें देखेंगे कि वो एक जीव नहीं है, एक जीव नहीं है, उसमें तो अलग अलग जीव पाए जाते हैं, लेकिन आप उसको देखकर नहीं बता सकते कि ये दो अलग अलग जीवों का सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध वो होता है जहां पर दो अलग अलग जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। जैसे लाइकेन में आप देखेंगे तो वहां पे आपको कवक मिलता है और शैवाल मिलता है, दोनों मिलकर एक को बनाते हैं, वो क्या है, लाइकेन है। कवक क्या करता है, आपके शैवाल को प्रोटेक्शन देता है और क्या करता है, आश्रय देता है, और नीचे से क्या मिनरल वगैरह आपके खींच के लेके आता है, पानी क्या करता है, कवक लेके आता है। लेकिन आपको पता है शैवाल तो पौधे हैं, सबसे निम्नतम टाइप के पादप क्या है, शैवाल है, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब वो फिर उसको भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें तो अलग अलग जीव वास करते हैं, ठीक है। तो लाइकेन के बारे में ये तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे अच्छे से हम समझ लेंगे लाइकेन क्या है, ठीक है। एक बता दिया कि क्या होता है लाइकेन। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक संकेतक होते हैं वो आपको प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतक प्राकृतिक संकेतक कहलाते हैं, यही लिखना भी है आपने, क्या, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतक आपके क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संकेतक कहलाते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतक प्राकृतिक संकेतक कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं, यही डेफिनेशन है, यही आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं प्राकृतिक, आप इसको इंग्लिश में भी लिख लें, नेचुरल इंडिकेटर, क्या कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। आप चाहें तो मैं बोल रही हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो चैनल के सब्सक्राइबर है पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संकेतक क्या होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोतों से आपको मिलते हैं वो क्या है, आपके प्राकृतिक संकेतक हैं। जैसे देखेंगे आप, अभी मैंने आपको एक चीज बताया क्या होता है, आपका उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, लिटमस आपका उदाहरण है, लिटमस उदाहरण क्या है इसके, लिटमस उदाहरण है, सबसे पहले क्या है उदाहरण, लिटमस है, जो लिटमस आपको किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। दूसरा जो उदाहरण है, आप हल्दी को देख सकते हैं, टर्मरिक को देख सकते हैं, क्योंकि टर्मरिक हल्दी भी तो आपको पौधों से प्राप्त हो रही है। फिर आता है आपका लाल पत्ता गोभी जो होती है, जो पत्ता गोभी आप ग्रीन कलर की देखते हैं, उसमें रेड कैबेज भी होती है, लाल पत्ता गोभी भी होती है, वो भी क्या करती है, आपका प्राकृतिक इंडिकेटर का काम करती है, क्योंकि वो भी क्या है, एक वेजिटेबल है, सब्जी है, तो आपको प्लांट से मिल रही है। देखिए लिटमस में क्या होता है, लिटमस से मान लीजिए लिटमस है आपको प्लांट से प्राप्त हुआ है, किसी भी तरीके छाल वगैरह कुछ भी, लिटमस है आपको प्लांट से प्राप्त हुआ है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब आप इसको विलयन बनाते हैं, इसका मतलब पानी में आप इसको डालेंगे, तब इसका क्या होगा, कलर जो आप देखेंगे विलयन बन जाएगा, जिसको आप देखेंगे क्या है, वो लिटमस विलयन बोलेंगे, आप उसको लिटमस विलयन बोलेंगे। अब यहाँ पर आपने समझना है, जो लिटमस विलयन का कलर होता है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका कलर कैसा होता है, तो देखिए ये कैसे प्राप्त होता है, आपको आप इसको प्लांट से तोड़ेंगे, पादप से तोड़ते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, क्रश करते हैं, एक किस तरीके से पीस, बहुत बारीक इसको पीस लेंगे, फिर उसके बाद जब इसको पानी में मिलाया जाता है, जो बनता है, जो बनेगा वो क्या है, अब लिटमस विलयन कहलाता है, जो बना वो क्या है, लिटमस विलयन है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लिटमस विलयन का प्राकृतिक कलर होता है वो कैसा होता है, तो वो आपने ध्यान रखना है, पर्पल होता है, बैंगनी कलर का होता है आपका लिटमस विलयन। लिटमस विलयन कैसा होता है, आपका बैंगनी कलर का होता है, प्राकृतिक कलर का होता है, आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो लिटमस विलयन है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करना है, लिटमस पेपर, आप सुनते हैं ना लिटमस पेपर ने कलर चेंज कर दिया, अम्ल में अलग किया और आपका क्षार में अलग कलर का हो गया, तो ये क्या है, आपका लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। तो लिटमस पेपर कैसे बनाए जाएंगे, आप जो लिटमस विलयन आपका बना है, जो लिटमस विलयन जिसका कलर कैसा है, आपका पर्पल कलर का है, बैंगनी कलर का है, उस लिटमस विलयन में आप लकड़ी का सेल्यूलोज मिलाएंगे, लकड़ी का सेल्यूलोज। देखिए सेल्यूलोज क्या होता है,
आपने बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे, जैसे आप पढ़ते हैं कि ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार से जो सेल्युलोज है वो क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ पर मिलता है, पादपों में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्युलोज की बनी होती है, इसलिए कहाँ मिलता है आपको, पादपों में मिलता है। अब इस लिटमस विलयन में जब आपने वुड मिलाया, लकड़ी को मिलाया, तब जाकर क्या बनता है, आपको पता है ना, पेपर इंडस्ट्री जो होती है सारी, वो क्या यूज करती है, आपका लकड़ी से ही तो पेपर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, पेपर कैसे बनेगा, लिटमस पेपर आपका वुड जब उसमें मिला देंगे लकड़ी को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, लिटमस पेपर बन जाएगा, लिटमस पेपर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, लिटमस पेपर। अभी लिटमस पेपर जो है वो है आपके काम का, लिटमस पेपर है आपके काम का, यही आपको बताएगा कि लिटमस मतलब कलर चेंज करके कि जो भी विलयन या कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं वो अम्ल है या क्षार है। एक ग्लास में मेरे पास कोई विलयन है, अगर मैं उसको बोलूं कि ये मुझे आपने बताना है कि ये अम्ल है ये क्षार है, तो आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, कलर चेंज होते हैं उसमें। जैसे आगे आप समझेंगे, जो लिटमस पेपर होते हैं वो कितने रंग होते हैं, उसमें दो प्रकार के रंग होते हैं। लिटमस पेपर दो रंगों का आता है, नीला और लाल। कैसा होता है, नीला और लाल। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, नीला और आपका लाल, मतलब ब्लू और रेड कलर के होते हैं आपके लिटमस पेपर। दो कलर के आपके लिटमस पेपर होते हैं, आपका लाल कलर का होता है और ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। अब इस चीज को आपने समझना है, अगर मेरे पास किसी विलयन में, आप किसी ग्लास में एक विलयन है जो कि मैं मान लेती हूँ कि एक अम्ल है, मानते हैं हम एक अम्ल है, लेकिन वो आपको नहीं पता है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या है, अम्ल है ये क्षार है, तो आप क्या करेंगे, आप जब लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे जो लिटमस पेपर का ब्लू कलर है वो अम्ल, अगर उसमें अम्ल प्रेजेंट है तो वो रेड कलर का हो जाता है। नीले कलर का लिटमस पेपर किस में टर्न हो जाएगा, आपका लाल रंग में हो जाएगा, अगर क्या है वहां पर अम्ल प्रेजेंट है, वहां पर क्या है, अम्ल है। लेकिन वहां पर अगर क्षार प्रेजेंट है तब क्या होगा, वो नीला हो जाएगा लाल से। ये भी ध्यान रखना है, उसका उल्टा होगा। आपने एक ध्यान रखेंगे, दूसरा आप अपोजिट उसके आराम से जा सकते हैं कि नीला रंग क्या होगा, लाल में प्रेजेंट बदल जाएगा। अगर लिटमस पेपर जो नीले रंग का है वो लाल में बदल जाएगा जब अम्ल उपस्थित होगा, लेकिन जब लाल लिटमस पेपर नीले में आपका चेंज हुआ तब क्या है, वो क्षार है। तो लिटमस पेपर का आप यूज करते हैं अम्ल और क्षार में डिफ्रेंसिएट करने के लिए, मतलब उसमें अंतर देखने के लिए, उनको पहचानने के लिए कि उसमें आप अम्ल है या क्षार है, आपको नहीं पता तो आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब दूसरा आते हैं हल्दी। हल्दी के बारे में देखिए, हल्दी क्या होता है, जो टर्मरिक है आपका, जो हल्दी है ये भी क्या है आपका, एक प्रकार का प्राकृतिक संकेतक है। टर्मरिक क्या है, प्राकृतिक संकेतक है। हल्दी के साथ क्या होता है, हल्दी के साथ ये होता है कि अगर अम्ल प्रेजेंट होता है, हल्दी क्षार अम्ल और आपका जब न्यूट्रल होता है, जैसे हल्दी जो है वो क्षार के साथ क्या करेगी, हल्दी का रंग कैसा होता है आप देखेंगे, येलो कलर का होता है, लेकिन हल्दी क्षार के साथ, हल्दी आपका क्षार के साथ कैसे कलर की हो जाएगी, लाल भूरे रंग की हो जाती है। हल्दी का जो कलर है, येलो कलर जो हल्दी का नेचुरल होता है, वो क्षार के साथ लाल भूरे रंग का हो जाता है, लाल भूरे रेड ब्राउनिश कलर का आपका हो जाता है, लाल भूरे रंग का चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, ये अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं शो करता है। अम्ल अगर उसमें आप डालेंगे हल्दी के ऊपर अम्ल डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई रंग में परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो इसलिए आप देखिए, आप अगर आपके पास दो ही चीजें हैं, आप देखें एक अम्ल है आपके पास एक क्षार है, तब तो आप आराम से बता सकते हैं कि आप हल्दी क्या करेगी, अम्ल के साथ क्या करेगी, कोई परिवर्तन नहीं दर्शाएगी, उसका वही कलर रहेगा। लेकिन अगर क्षार होगा तो वो लाल भूरे रंग की हो जाएगी, पर अगर वहां पर कोई पदार्थ लवण है या जिससे न्यूट्रल है तो उसमें क्या होगा, उदासीन चीज को हम वहां पर नहीं बता सकते कि अम्ल और आप न्यूट्रल में, इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है। इसलिए अम्ल और न्यूट्रल के साथ इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने नहीं मिलेगा, इसलिए आपका इसका यूज सिर्फ अम्ल और क्षार को परिवर्तन में के लिए किया जाता है, अम्ल और न्यूट्रल पदार्थ के परिवर्तन में इसका यूज नहीं किया जा सकता पहचान करने के लिए। ये भी आपने
ध्यान रखना, ठीक है। लिखेंगे आप अम्ल और अम्ल जो है ये आपका अम्ल और न्यूट्रल घोल में हल्दी का रंग नहीं बदलता है क्योंकि यह क्षारीय संकेतक है, इसलिए हम इसका उपयोग अम्लीय और न्यूट्रल के बीच अंतर करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लाल पत्ता गोभी जो होती है, जो आपका लाल पत्ता गोभी है, वो भी क्या है आपको पता है, एक प्राकृतिक संकेतक है। इसके साथ क्या होता है, जो लाल पत्ता गोभी का अगर आप जूस निकालेंगे, रस निकालेंगे, तब आप देखेंगे वो रस आपका जो उसका कलर होता है, जो मेन कलर आप देखेंगे वो है आपका लाल रंग का। कैसा कलर होता है, लाल रंग का होता है लाल पत्ता गोभी का, या आप बोल सकते हैं बैंगनी रंग का। अच्छा, मूल रूप कलर जो होता है, जो आप इसका देखेंगे कि लाल पत्ता गोभी नेचुरल कोई अम्लीय कोई छान नहीं मिलाया है, तब किस प्रकार का होता है, बैंगनी कलर का इसका रस निकलेगा, कोई आपको अम्ल छान इसमें नहीं मिलाया गया। लेकिन अगर आप इसमें अम्ल को मिलाते हैं तब आप इसका कलर देखेंगे कि पर्पल से वो रेड हो गया, इस रेड से, इस बैंगनी से क्या हो जाएगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। अगर इस विलयन में आप क्या मिला देंगे, अम्ल मिला देंगे, क्या मिला देंगे, अम्ल मिला देंगे, तब बैंगनी से कैसा हो जाएगा, लाल में परिवर्तन हो जाएगा। पर वहीं अगर आप क्षार को देखेंगे तब आपका ये बैंगनी से हरा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हरे कलर का हो जाएगा ये विलयन। मतलब आपका जो लाल पत्ता गोभी है वो भी आपका डिफ्रेंशिएट कर सकता है आपका अम्ल क्षार और लवण में, और आपका जो भी न्यूट्रल पदार्थ है, क्योंकि लाल पत्ता गोभी का जो मूल रूप से रंग होता है उसका अगर रस निकालते हैं किसी चीज का, लाल पत्ता गोभी का निकालेंगे तो वो कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। इसका कलर चेंज होगा लाल में जब उसमें अम्ल को मिलाया जाएगा, इसका कलर चेंज होगा हरे में उस रस का जब उसमें आप क्षार को मिलाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये आपके प्राकृतिक संकेतक है जो अम्ल क्षार में आपको बता रहे हैं, जिसमें आपने देखा लिटमस पेपर है आपका हल्दी हो गया, फिर आपका आता है लाल पत्ता गोभी। हल्दी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एक क्षारीय संकेतक है, वो अम्ल से कोई क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए आप उसमें ये नहीं बता सकते कि जो अगर आपको अम्ल क्षार पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास न्यूट्रल चीज भी है तो आप अम्ल और न्यूट्रल चीज में कोई डिफ्रेंशिएट करके अंतर नहीं बता सकते आप, ठीक है। फिर आप देखेंगे, फिर आते हैं आपका घ्राण संकेतक में। घ्राण संकेतक दूसरा प्रकार क्या था, घ्राण संकेतक था। घ्राण संकेतक होता है आपका जो सुगंध में, जो गंध में परिवर्तन करे, दूसरा प्रकार था। घ्राण संकेतक क्या है, जो गंध में परिवर्तन करे वो है आपके घ्राण संकेतक। पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध बदलते हैं घ्राण संकेतक कहलाते हैं। पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ, जो अम्ल या क्षार के साथ, या क्षार के साथ मिश्रित होने पर गंध में परिवर्तन करते हैं, मिश्रित होने पर गंध में परिवर्तन करते हैं, गंध में परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, घ्राण संकेतक कहलाते हैं। उनके अपनी ही गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो अपनी गंध में परिवर्तन लिख सकते हैं आप, होने पर गंध में परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं आपका, घ्राण संकेतक कहलाते हैं। ऑल्फैक्टरी जिसको इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में, घ्राण संकेतक कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल होता है अनियन या प्याज, जिसको आप बोलते हैं अनियन इंग्लिश में। प्याज में क्या होता है, आप अगर प्याज के ऊपर देखेंगे तो उसकी गंध चेंज हो जाएगी। प्याज जो अनियन होती है, या आप दूसरा देख सकते हैं वैनिला जो होता है, वैनिला भी क्या है आपका घ्राण संकेतक है, क्योंकि उसकी भी आपकी स्मेल में चेंज होता है। तो प्याज के साथ अगर आप देखेंगे, प्याज का जो घोलीय रस आप लेंगे, जैसे आप पेस्ट ले लें या कोई घोल ले लें, तो उसमें क्या होगा, क्षार के साथ मिलाने पर उसकी महक गायब हो जाती है, ये अम्ल से अपनी गंध नहीं बदलता है। जब आप इसका कोई पेस्ट ले लें या रस ले लें प्याज का, या कोई पीस का कोई पेस्ट ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, क्षार के साथ गंध क्या होगी, गायब हो जाएगी। क्षार के साथ गंध गायब, जो गंध है वो क्या है, गायब हो जाएगी। लेकिन अम्ल अगर इसमें डालेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन, इसकी गंध में परिवर्तन नहीं होता है। ये प्याज है आपका, जो स्मेल से आप उसको बता सकते हैं। उसी प्रकार से आप वैनिला, इसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, वैनिला के आइसक्रीम वगैरह भी आती है। तो ये वैनिला में क्या होता है,
वेनिला की गंध छाल के साथ गायब हो जाती है और अम्ल के साथ क्या है गायब हो जाती है, गायब नहीं होती है। छाल के साथ क्या होगी गायब हो जाती है और अम्ल के साथ गायब नहीं होती है। छाल का यूज करेंगे तो क्या होगा गंध गायब, गंध गायब, लेकिन अम्ल के साथ, अम्ल के साथ गंध गायब नहीं होती है, गंध गायब नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से छाल और अम्ल का पता लगा सकते हैं घ्राण संकेतक से, उनकी जब स्मेल में चेंज हो जाता है, गंध में चेंज हो जाता है। फिर आप आपका आते हैं जो आपका कृत्रिम संकेतक है। कृत्रिम का मतलब ही होता है, मतलब जो कृत्रिम रूप से मानव निर्मित, कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, आप इनको प्रयोगशाला में बना सकते हैं कृत्रिम संकेतक। कृत्रिम संकेतक क्या है, थर्ड प्रकार है। कृत्रिम संकेतक क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जिनको प्रयोगशाला में आप बना सकते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित संकेतकों को सिंथेटिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। सिंथेटिक भी बोल सकते हैं ना जिनको बनाया गया है, कृत्रिम संकेतक या फिर सिंथेटिक, तो आप बोल सकते हैं। प्रयोगशाला में बनाए गए, प्रयोगशाला में संश्लेषित बोलें आप, संश्लेषित संकेतकों को सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जो भी बच्चे अगर बाद में ज्वाइन करते हैं तो उनको एक नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है, आप उस पर देख सकते हैं कर कोई भी कांटेक्ट, तो आपको जो भी पीडीएफ अपलोड होंगी वो मिल जाएंगी। अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके साथ आपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, कृत्रिम रूप में जाना जाता है, कृत्रिम रूप में या सिंथेटिक रूप में क्या है जाना जाता है आपके कृत्रिम संकेतक, जो क्या है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ये बढ़िया रखना है, जो प्रयोगशाला में बनाए जाए। पहले हमने देखा कि वो क्या थे, नेचुरल थे, लेकिन ये क्या है आपके प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। जैसे आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज उदाहरण देखेंगे तो क्या होगा, एक उदाहरण है आप इसका मिथाइल ऑरेंज को देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो होता है वो है आपका फिनोक्थिलीन। इसमें क्या होता है, देखिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन क्या है, इसके दोनों एग्जाम्पल है, उदाहरण लिख लेंगे आप। मिथाइल ऑरेंज आपका इसका उदाहरण है, और दूसरा जो उदाहरण है वो है फिनोक्थिलीन। क्या है, फिनोफ्थलिन, ये क्या है इसका उदाहरण है, फिनोफ्थलिन ये है आपके इसके उदाहरण, फिनोफ्थलिन क्या है और मिथाइल ऑरेंज। इसमें क्या होता है, ये चीज आपने देखनी है, जो फिनोफ्थलिन है वो क्या है एक रंगहीन तरल है, ये फिनोफ्थलिन जो है एक रंगहीन है, मतलब इसका कोई भी रंग नहीं है, ये क्या है एक रंगहीन है, कोई रंग इसमें प्रेजेंट नहीं है और एक तरल है। अम्ल के साथ तो क्या है ये रंगहीन ही रहता है, लेकिन अगर इसमें छाल को मिलाया जाता है तभी क्या होता है गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का। फिनोफ्थलीन क्या है एक रंगहीन तरल है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये क्या है रंगहीन है, ये अम्ल के साथ तो क्या करेंगे रंगहीन ही रहेगा, लेकिन जब इसमें छाल मिलाया जाता है तभी क्या करता है गुलाबी रंग का हो जाता है। छाल के साथ क्रिया करके कैसा हो जाता है गुलाबी रंग का हो जाता है। मिथाइल क्या है गुलाबी रंग का हो जाता है। फिर आप देखेंगे जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है मेन कैसा आपको दिख रहा है, ऑरेंज बोला जा रहा है, मतलब ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का है, लेकिन यह अम्ल के साथ क्या करता है लाल हो जाता है और छाल के साथ पीला हो जाता है। इसका जो मेन कलर है वो कैसा है, ऑरेंज है, नारंगी है, अम्ल के साथ क्या करेगा ये लाल रंग का हो जाएगा। अम्ल के साथ कैसा हो जाएगा लाल में चेंज हो जाएगा, और आपका जब छाल होगा तब कैसा हो जाता है पीले रंग में चेंज हो जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसकी सबकी जो लैंग्वेज है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें दूसरों के साथ। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।